Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DS Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हैज हैव हैड का प्रयोग. एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर हैज हैव हैड नहीं समझ में आता, तो मैं आपको वो सारे राज, सारे रहस्य, सारे पोल खोल रहा हूँ कि जो हैज हैव हैड में आता है. दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें अगर हैज हैव लगाना हो तो आपको ना आए. आएगा आज और अभी से आएगा. तो देखते हैं करके हम लोग हैज हैव और हैड के वो सारे रहस्य, जितने रहस्य हैं, सात हो, आठ हो, दस हो, जितने यूज हैं, हम देखते हैं हैज हैड के सारे रहस्य एक एक करके. सबसे पहला देखो कि आखिर हैज हैव का प्रयोग करते कहाँ हैं. सबसे पहले लगा दो कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा दो हैज, लगा दो हैव, लगा दो हैड, और इसके बाद तुम नाउन लगा दो. नाउन लगा दो, डरने की बात नहीं. सर हैज कहां लगाएं, तो हैज है तुम्हारा सिंगुलर, हैव है तुम्हारा प्लूरल, और हैड तुम्हारा नो चार्ज. चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड लगा दो. किस पर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव लगाना, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हैड लगाना. क्यों सर? ये हैज और हैव को प्रेजेंट कहते हैं और हैड को पास्ट कहते हैं. और यहां पे जो नाउन है, ये कोई भी नाउन आ सकता है. यहां पे तीनों का हिंदी हुआ रखना, ये तीनों का हिंदी हुआ खाना, ये तीनों का हिंदी हुआ पीना. तो जो मर्जी करे उसका प्रयोग करो. अब सेंटेंस देखो, हमने कहा मेरे पास कार है, हमने बोला आई हैव अ कार. मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार. तुमने कहा कि मैं अपना नाश्ता कर लिया, आई हैव माई लंच. तुमने अपना खाना खाया, यू हैव योर लंच. मैं अपना खाना खा चुका था, आई हैड माई लंच. मैं अपना खाना खाया था, आई हैड माई लंच. तुम अपना खाना खाया था, यू हैड योर लंच. तो जहां भी आप चाहो तो नाउन का प्रयोग करो. जितनी मर्जी करे उतना सेंटेंस बोलो, जैसे मर्जी करे वैसे बोलो. आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, लता हैज अ कार, लता हैज ब्रेकफास्ट, लता हैज अ कार, जो मन करता हो बोलो. हैज लता के साथ, ही के साथ, शी के साथ हैज का प्रयोग करना. आई यू वी दे के साथ हैव का प्रयोग करना. तो आई होप यह समझ में आपको आ गया होगा. रखना, खाना, पीना. आई हैव माई टी, तो हाँ क्या हो गया? पीना. मैं अपना चाय पी लिया, आई हैव माई टी. मैं अपना चाय पी लिया था, आई हैड माई टी. तो आप हैव का मतलब पीना, खाना से भी प्रयोग कर सकते हो. यहां तक समझ में आ गए बच्चे? अब देखो अगला सेंस, एक एक कर देखो. हजारों सेंटेंस, जितना मन करता है आप बोलो, जितना मन करता है लिखो, आप उस पर ध्यान दो. सेंटेंस नंबर सेकंड की बात करें, आप यहां पर जानने का प्रयास करें. सेकंड देखें, स्ट्रक्चर टू, कि सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करो. आप बस प्रयास करो, अंग्रेजी आपको आ जाएगा. हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये थर्ड फॉर्म क्या है? इसे कहते हैं प्रेजेंट, इसे कहते हैं पास्ट, और ये सबको कहते हैं परफेक्ट. परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट कौन सा? पास्ट परफेक्ट. ए हैज तुम्हारा है सिंगुलर, ए वाला हैव है प्लूरल, और ए वाला हैड पे नो चार्ज. नो चार्ज का मतलब क्या हो बच्चे? कि जिस पर प्लस भी हो माइनस भी हो, कोई चार्ज ना हो. सिंगुलर हो तो भी हैड, प्लूरल हो तो भी हैड. टेंस का फर्क पड़ेगा. अब यहां ध्यान दो कि हमने कहा माई मदर, माई मदर एक है ना सिंगुलर, तो हैज लगाना. माई मदर हैज गॉन टू दिल्ली. हमने एग्जाम्पल दिया My mother has gone to Delhi. My mother has gone to Delhi. तो आप इसका, आप बनो फास्ट मूवर. स्लो काम नहीं चलेगा. आप आराम आराम से मत लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फास्ट पढ़ो और फास्ट करके काम करो. My mother has gone to Delhi. You have gone to Delhi. You have studied English. She has studied English. You had gone there. You had studied English. तो जितना whatever comes your mind, has, have के साथ, had के साथ verb का third form लगाओ. जितना sentence मर्जी करे बोलो. I, you, he, she, it, they. जो मन करता हो बोलो. I के साथ have का प्रयोग, you के साथ have का प्रयोग, they के साथ have का प्रयोग, और जितना मर्जी बोलो. They have gone there.
You have gone there. Lata and Sita have gone there. Lata has gone there. Lata and Gita have gone there. तो कर लोगे आप. इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर थ्री की बात करें. यहां पे मैं आपको खोल रहा हूं हैज हैव के सात राज, और हैज हैव के सात राज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं. एग्जांपल जितना मन करता हो उतना आप बोलने का प्रयास करें. स्ट्रक्चर नंबर थ्री. और थ्री से पहले मैं खास इंफॉर्मेशन दे दूं, और इंफॉर्मेशन यह है कि कल सुबह 9 बजे एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं. बहुत बच्चे डिमांड करते हैं, सर बैच कब स्टार्ट हो रहा है, हमको दिल्ली आके पढ़ना है. तो आ जाओ दिल्ली कल ही सुबह, 21 तारीख कल ही है ना. अब कल से शुरू हो रहा है नया बैच, सुबह 9 बजे आप आना चाहो आ सकते हो. अगला बैच भी शुरू होगा अगले महीने में 5 तारीख से, तो वहां भी आप आ सकते हो. जब मन करे आप दिल्ली आ सकते हो. नंबर टू इंफॉर्मेशन ले लो. अब बच्चा कहता है सर वीडियो नहीं मिलता, तो बेटा सब्सक्राइब करना पड़ता है और वेल आइकन को दबाना पड़ता है, इसलिए वीडियो नहीं मिलता आपको. आप वेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो आपको हमेशा अपलोड होता है, मिलता रहेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा. कुछ भी बनाना हो आप कमेंट जरूर करना, तभी तो सब मिलेगा वीडियो. अगला देखो नंबर थ्री पे आ जाओ. नंबर थ्री पे आ जाओ वापस फटाफट. हमने कहा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो डरने की बात नहीं. सब्जेक्ट के बाद हैज, हैज के बाद हैव, हैव के साथ हैड, और हैज हैव हैड के बाद अगर तुम्हें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगा दो तुम बीन. राइट, बीन लगा दिया, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस. क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस. यानी आप पैसिव बोलना चाहो बोलोगे जी. हमने कहा लता, हमने कहा लता सीता गीता यू सी इट, हमने कहा लता हैज बीन सिलेक्टेड, लता को सिलेक्ट कर लिया गया, इसे कहते हैं पैसिव. पैसिव वॉइस. पैसिव क्यों? जब काम खुद से ना करता हो, जब काम खुद से ना करता हो. जैसे तुम्हें पढ़ाया गया है, यू हैव बीन टॉट, हमने कहा तुम्हें पढ़ाया गया है. तुम्हें पढ़ाया गया है, बोलो तुम खुद से पढ़े हो? नहीं ना, पढ़ाया किसी और ने ना. तो हमने कहा यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया है, तुम्हें सिखाया गया है, यू हैव बीन लर्न्ड, तुम्हें सिखाया गया था, यू हैड बीन लर्न्ड, तुम्हें पढ़ाया गया था, यू हैड बीन टॉट, तुम्हें पीटा गया है, यू हैव बीन बीटन, लता को पीटा गया है, लता हैज बीन बीटन, लता को पीटा गया था, लता हैड बीन बीटन. क्लियर? तो इसमें जितना मन करे, कब? जब सब्जेक्ट तुम्हारा नॉन डूअर हो, या फिर सब्जेक्ट खुद से काम ना करता हो. जैसे पेड़ काटा गया है तो आर्ट्री हैज बीन कट, कट कट कट, तीनों फॉर्म्स वन होते हैं. जितना मन करे बोलो. किताब बांटा गया है, अ बुक्स हैव बीन, अगर हम बोलते हैं आ बुक तो हैज लगाना, बुक्स बोलते हैं तो हैव लगाना, तो बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर? तो जितना मन करता है बेटा बोलो अंग्रेजी. हम एग्जाम्पल और लेते हैं कि आ बुक हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, अ बुक हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जितना मन करे बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, सोचो अंग्रेजी. आप यहां पे फास्ट काम करो, आप इस पर ध्यान मत दो कि सर कैसे, सर जो बोल रहे हो उसे फोकस करो. नेक्स्ट देखिए हम लोग अगला यूज, यूज नंबर आपका हो रहा है 5. यूज नंबर 5. अभी वो 5 क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज, देख लेना बेटा 4 या 5 जो भी नंबर हो नंबरिंग कर लेना. हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. अगर हम सब्जेक्ट हैज हैव की बात करें तो लगा सकते हैं हैज हैव हैड के साथ 2+V1. अदर वर्ड ये हैज हैव 2 क्या कहता है, V1 भी आ गया. ये 2V1 क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है मजबूरी, मजबूरी. मजबूरी का मतलब क्या है? पड़ता है, पड़ता है. मुझे खाना बनाना पड़ता है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, उसे रोना पड़ता है, उसे सोना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे दिल्ली आना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, उसे हंसना पड़ता है. लगा दो ना हैज हैव. पड़ता है प्रेजेंट, पड़ता था पास्ट, उसे पढ़ना पड़ता था. ही हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता था. ही हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है. ही Has to read, पढ़ता है. या फिर तुम बोलो ना है, मुझे पढ़ना है यार, I have to read. मुझे टीवी देखना है, I have to watch movie. I have to watch movie. I have to
वॉच मूवीज, आई हैव टू वॉच मूवी. तुम्हें खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले. देख रहे हो, यू हैव टू प्ले. आप लिख लो ना, नोट्स बनाओ, कॉपी कलम निकालो और बैठ के लिखो. ये नहीं कि बस सुनना है देखना है. आप वीडियो के साथ खेलना सीखो, पढ़ना सीखो. और हजार सेंटेंस बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन करो, पॉज करो, लिखो, फिर से लिखो. यू हैव बीन, यू हैव टू रीड, सी हैज टू रीड, ही हैड टू प्ले. क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट देखो. यहां पर एक एक कर मैं आपको सारा चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे आप जानने का प्रयास करें. यहां पे हम देखें गौर से, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हैव के साथ आईएनजी आता है क्या, देखते हैं करके. नंबर नेक्स्ट प्रयोग देख लो, पांच छह जो भी हो बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड के साथ. आप यहां पे आप ध्यान देना कि जो सेंस यहां पे आता है कि हैज हैव के साथ, एक मिनट ध्यान देना. यहां पे हम बात करें सब्जेक्ट प्लस is, am, are के साथ having plus noun या other word का प्रयोग कर सकते हो. क्या भाई? तो is a मां के साथ having लगा दिया. अब एक किस प्रकार का having है भाई? तो ये जो having है इसका मतलब होगा खाना. इसका मतलब क्या होगा? खाना. जैसे हमने कहा कि I am having my lunch. I am having my lunch. You have, you are having your lunch. She has having his lunch. तो having का मतलब होगा खाना, पीना, इस तरह की बात. कभी भी रखने के लिए प्रयोग नहीं करते. ऐसा नहीं बोल सकते कि I am having my car. तो having car नहीं, यहां पे having का मतलब रखना नहीं होगा, having का मतलब खाना पीना होगा. वो एक बार ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछ दिया है कि ही इज हैजिंग हिज कार, तो गलत हो जाएगा. वहां पे हैजिंग कोई वर्ड नहीं होता, having होता है. ध्यान देना, चूंकि हैज जो है ये वी फाइव होता है और हैव जो है यहां आईएनज लगता है, तो हैविंग तब बनता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म. तो हैजिंग नहीं होता, हैडिंग नहीं होता, हमेशा हैविंग होता है. इसको भी ध्यान रखना. तो आई एम हैविंग माई लंच, यू आर हैविंग योर लंच. तो हैविंग मतलब खाना पीना की बात होता है, ये ध्यान देना. नेक्स्ट हम लोग देखें जो नंबर होगा, आप ध्यान करना. टोटल सात या आठ प्रयोग में पढ़ा रहा हूं आपको. अगला ध्यान देना कि सब्जेक्ट प्लस हमने लगा दिया मॉडल्स. अब मॉडल से परिचित हो आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं. मॉडल्स का मतलब व्हील, सेल, वुड, सूड, कैन, कूड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, दीज आर द मॉडल्स. सबको हम बोलते हैं मॉडल्स. फिर सुन लो, व्हील, सेल, सूड, कैन, कूड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, दीज आर द मॉडल्स. उस मॉडल्स के बाद, उस मॉडल्स के बाद तुम हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके बाद हैड का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके बाद हैव का प्रयोग कर सकते हो. अब इसके कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि हैव है क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसको ध्यान देना. अब इस पे मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसको आप जानने का प्रयास करना, क्योंकि मॉडल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है. यहां पर मैं कुछ बात बता दूं आपको, जैसे बेटा ध्यान देना. मैं बात करूं वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव. हमने वी वन में लिया तुम्हारा हैव, वी टू में लिया हैड, वी थ्री लिया हैड, वी फोर लिया हमने हैविंग, वी फाइव लिया हमने हैज. वी फाइव का मतलब जिस प्रकार बोलते हो गो, जिस प्रकार बोलते हो वेंट, जिस प्रकार बोलते हो गॉन, जिस प्रकार बोलते हो गोइंग, जिस प्रकार बोलते हो गोज. तो अगर तुम्हें गो, वेंट, गॉन का प्रयोग करने आता है, उसी प्रकार तुम हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज का प्रयोग कर सकते हो. या जो वी वन होता है इसे कहते हैं प्लूरल, वी टू को कहते हैं पास्ट, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, वी थ्री को बोलते हैं परफेक्ट, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, वी फोर को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, वी फाइव को बोलते हैं सिंगुलर और प्रेजेंट. प्रेजेंट चूंकि मैं फास्ट नहीं लिखूंगा ना, तो तुम एक वीडियो में पड़े रह जाओगे. मुझे सिखाना है ना, पूरे भारत में क्रांति फैलाना है ना तुम्हारे माध्यम से. पूरे शेयर करो पूरे विश्व में इस वीडियो को. पूरे भारत में हर एक बच्चा को सीखना चाहिए हैज हैव का प्रयोग. फिर देख लो, यहां पर वी वन प्लूरल है, प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, और ये फिर से प्रेजेंट हो गया. तो फिर हमने क्या कहा? मॉडल्स में हमेशा वी वन का प्रयोग होता है, कभी भी इन सब का प्रयोग नहीं होता. मॉडल्स ऑलवेज टेक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो जल्दी देखते हैं फटाफट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड. हमने कहा मॉडल्स यू
should have spoken English. You should have spoken English. You should have spoken English. है ना? You should have gone there. You must have gone there. You might have gone there. You can have gone there. You may have gone there. Whatever comes to your mind, जितना मन करे लगाओ models. Will, shall, should, can, could, may, might, must, ought to के साथ जो मन करता हो बोलो. He, see, it, they, जो मन लगा दो. He should have speak English. You should have spoken English. You can have spoken English. You might have spoken English. जितना मन करता हो करो. घर बैठ के पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करो www.dsl.com. आप घर बैठे सीख सकते हो अंग्रेजी, दिल्ली आने की जरूरत भी नहीं है. लेकिन अगर फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ, यहां पे हमेशा बैच शुरू होते रहते हैं, आप आराम से आकर बैठ के पढ़ सकते हो. इट्स ऑल फॉर टुडे. इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.